और अहमद तो भाई वो करता तो मैं डॉक्टर नजम, आप तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उम्मीद है कि वो तमाम लोग खैरियत से होंगे। और जिस किस्म के आजकल सिनेरियो चल रहा है और जिस किस्म के हालात चल रहे हैं, आप तमाम लोग ही जानते हैं कि सेफ्टी मेजर्स कितने ज़्यादा ज़रूरी। ऑल्दो दैट ये आपने भी कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं होगा कि क्या इस तरीके से भी कोई ऐसा रेवोल्यूशन आएगा कि एजुकेशन आज इस तरीके से आप लोग जो है वो रिटेन करो। हम तमाम लोग हुआ गए हैं कि बहुत जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तान और दुनिया भर से ये वायरस का जो प्रॉब्लम है कोविड-19 का, ये इंशाल्लाह बहुत जल्द हल हो जाएगा। लेकिन जब तक ये नहीं होता, उस वक्त तक तमाम एहतियाती तदाबीर को आप तमाम बच्चों ने इख्तियार भी करना है और साथ साथ दूसरे लोगों को तलकीन भी करनी है, क्योंकि बहुत सारे जगह पर मैंने देखा है कि लोग जो हैं इन तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना। ऑल्दो दैट मेरी उन तमाम 9th के स्टूडेंट्स हैं जो के पेपर देने के इंतज़ार में थे और वो पेपर अब नहीं दे सके, तो उनको बहुत ज़्यादा मेरी तरफ से जो है अब क्या कहें इस पर, तो कॉन्ग्रेचुलेशन कहें, क्योंकि बच्चों की तो कोशिश होती है कि बगैर पास हुए आप जो हैं अपनी क्लास में चले जाएं। क्योंकि पिछले बैलेंस के अंदर अमूमन स्टूडेंट्स ये ख्वाहिश किया करते थे क्या ऐसा मुमकिन है कि हम पेपर ना दें और हमें डिग्री अवार्ड हो जाए, तो इस साल तमाम लोगों ने ये भी देख लिया कि पेपर भी नहीं हो रहे हैं और दूसरी क्लास में भी आप प्रमोट हो गए। तो 9th क्लास के जितने स्टूडेंट्स हैं उन तमाम लोगों को सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहूँगा। अब वो एक दर्जा ऊपर आ गए हैं यानी कि 10th क्लास में आ गए, और 9th क्लास का जो कुछ पढ़ा वो ऐसा नहीं है कि वो रहेगा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो पढ़ा आपके काम नहीं आएगा, इंशाल्लाह वो भी आपके काम आएगा आगे अगली क्लासेस के अंदर, वो बहुत ज़्यादा बल्कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा वो इंशाल्लाह काम आएगा। अब एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप तमाम स्टूडेंट्स को मुझे बतानी है वो ये है कि अब ये जो 10th ईयर है इसमें आपकी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो किस तरह बनती है कि जो रिजल्ट आपका इस 10th क्लास में बनेगा वही रिजल्ट आपका 9th के भी परसेंटेज को काउंट किया जाएगा, यानी कि जो परसेंटेज आप अभी लेंगे, मिसाल के तौर पे आप में से कोई 85% लेता है मैट्रिक में, तो वही उसकी परसेंटेज 9th की परसेंटेज भी अवॉर्ड कर दी जाएगी। तो ये इस लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको जो है आप तमाम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा लीनियंट नहीं लेना और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत करनी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिसके अंदर आप मार्क्स बड़ी आसानी के साथ रिटेन कर सकते, ठीक है। बहरहाल बातें तो इंशाल्लाह होती रहेंगी और अपडेट जो भी लेटेस्ट रिगार्डिंग अबाउट एजुकेशन रिगार्डिंग अबाउट अवर सिंध बोर्ड आते रहेंगे, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताता भी रहूँगा। एनी हाउ अब थोड़ा सा हम बात करते हैं नए साल के नए सब्जेक्ट को लेकर, और ये नए साल का जो नया सब्जेक्ट है वो है हमारे पास फिजिक्स। ये जो फिजिक्स का जो वर्ड है ये उर्दू में इसको कहा जाता है तबियात, तबियात निकला है तबीयत से। तो अगर मैं फिजिक्स को इंग्लिश में रिनाउंस कर दिया उसको थोड़ा सा मैं इंटर्म में लेके जाऊं तो वो फिजिकल, फिजिकल का मतलब क्या होता है कि जो चीज आप से रिलेटेड हो। अब ये जो वर्ड है ये बहुत ही बड़ा जो ग्रीक फिलोसफर है, ठीक है, जिसके नाम आपका क्या है डेमोक्रेटस, उसने ये सबसे पहले जो वर्ड है ये कुछ इस तरह डिफाइन उसने किया था, और ये जो सामने आपको नजर आ रहा है वर्ड जिसका मतलब है नेचुरल। तो फिजिक्स का जो मतलब है बेसिकली क्या है कि आपके पास नेचुरल फिनोमेनास, आपके पास नेचुरल क्राइटेरियास जिसको हम अपनी डेली रूटीन लाइफ के अंदर देख रहे होते हैं, वो तमाम चीजें आपके पास फिजिक्स के अंदर आती है। क्या फिजिक्स को हम देख रहे हो? अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि सब्जेक्ट बड़ा मुश्किल है और बहुत ज्यादा जो है इसको पढ़ना जो है काफी प्रॉब्लमेटिक है, और बहुत सारे बच्चों ने ये भी सुना होगा कि वो ये कहते हैं कि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो वो न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। तो देखें भाई, इसमें इतनी ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है,
फिजिक्स जो है वो पिछले साल जो केमिस्ट्री पढ़ा था उससे ज्यादा आसान है। और जो स्टूडेंट्स मेरे साथ पिछले साल केमिस्ट्री के बैच में भी थे उनको भी इस बात का आइडिया इंशाल्लाह हो जाएगा कि वो जो हमने पढ़ा था वो ज्यादा कुछ उसमें बातें थी, इसमें इतनी ज्यादा वो बातें नहीं है। साथ साथ इसके अंदर बहुत सारी एग्जाम्पल ऐसी हैं या बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको मैं और आप रूटीन के अंदर बैठ के कर रहे होते हैं, या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमें होती हुई नजर आ रही होती है, या अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ के अंदर उनको हम डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये सब्जेक्ट जो है हमारे जो नेचुरल यानी कि हमारी खुद की जात से बड़ा करीब। ठीक है जी, अब आपको मैं इससे ज्यादा और क्या बताऊं कि हार्ट है हमारा, जो दिल है वो हमारे ब्लड को पंप करता है। ठीक है, और एक और टर्म मैं मेडिकली बताऊं, ब्लड प्रेशर। तो प्रेशर जो बेसिकली टर्म है वो कहाँ आई है, वो तो फिजिक्स से रिलेटेड है। तो हमारी जिंदगी के अंदर हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे हम बचपन से लेकर अब तक इस फिजिक्स के साथ ही जुड़े हुए हैं और आगे भी आइंदा इंशाल्लाह जुड़े रहेंगे। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट को ज्यादा सवार करने की जरूरत अपने पढ़ने ही। बहरहाल फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट जो चीज है हमारी यूनिवर्स, हमारी कायनात। और हमारी कायनात में लातादाद गैलेक्सीज जिसको हम गिन भी नहीं सकते, और हर गैलेक्सी के अंदर लातादाद इनफाइनाइट नहीं गिन सकते अच्छा जिसके अंदर प्लैनेट्स भी शामिल है, जिसके अंदर स्टार्स भी शामिल है, जिसके अंदर एस्टेरॉइड्स भी शामिल है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम नहीं गिन सकते, नहीं देख सकते। लेकिन एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि मैं अगर अपनी एक जिसमें मैं रहता हूं और आप रहते हैं गैलेक्सी, दैट्स कॉल्ड द मिल्की वे, और इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारा एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं सोलर सिस्टम, 9 प्लैनेट्स के साथ। इवन मैं आप यकीन करेंगे ये हमारा जो सोलर सिस्टम है ये भी इतना बड़ा है कि हम इसको भी अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर सके। कांट इमेजिन। बारह, अब ये जो इतनी सारी चीजें अब तक जो हमने डिस्कवर की उसके पीछे जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारे पास हुबल टेलीस्कोप। और ये जो टेलीस्कोप है ये हमारे जमीन के बाहर आसमानों में अल्लाह ताला ने जितनी चीजें हमें बताई हैं कुरान मजीद में इनका जिक्र है, बहुत सारी जगहों पर सूरह रहमान का तर्जुमा पढ़िए, सूरह नजम का तर्जुमा पढ़िए, बहुत सारी चीजें। इवन सूरह बनी इसराइल जिसके जो पहली आयत है जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाकिया मेराज से रिलेटेड वो आप पढ़िए। तो इन तमाम चीजों के बारे में जो अल्लाह ताला ने हमें फरमाया और अल्लाह ताला ने जो चीजें एक्सप्लोर करने के लिए मुझे और आपको अकल दी, समझ दी, उस अकल और समझ को सामने रखते हुए हमने हुबल टेलीस्कोप को डिजाइन किया ताकि हम उन चीजों को देख सकें, उन तमाम चीजों को एक्सप्लोर कर सकें जो कि हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। ये बात तमाम स्टूडेंट्स जानते होंगे कि जिस किस्म के टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हमारी जिंदगी में आते जा रहे हैं, मतलब मैं आपसे इस वक्त ऑनलाइन मुखातिब हूं तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का क्या है, एडवांस इफेक्ट है। इसी तरीके से मैं अगर यहां पे किसी सैटेलाइट के थ्रू हूं तो मेरी आवाज कितने लोग सुन सकते हैं, कितने लोग मुझे लाइव देख सकते हैं, आप में से जितने लोग इस वक्त यहां मौजूद हैं जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं वो तमाम लोग व्हाट्सएप के अंदर वीडियो कॉल को डेली बेसिस पे ही करते होंगे या डेली बेसिस पे ना भी करते होंगे कम से कम पता जरूर होगा, लेकिन आप
उसी व्हाट्सएप की वीडियो कॉल के बारे में कि आपके वो रिलेटिव यूएसए के अंदर मौजूद हैं, उनसे लाइव आप बात कर सकते हैं। आज से कोई 10 से 15 साल पहले आपके घर में कोई बड़े भाई या कोई और रिलेटिव, उनसे जरा पूछिएगा कि क्या उनके जहन में कभी था कैसा भी हो। तो टेक्नोलॉजिकल जो हमारे पास चेंजेस आते जा रहे हैं वो हमारी जिंदगी पे भी असरअंदाज हो रहे। बहरहाल ये बातें तो चलती रहेंगी। हबल टेलीस्कोप को 24 अप्रैल 1990 में लॉन्च किया गया, और जब ये टेलीस्कोप लॉन्च हुआ, यूएसए ने इसको लॉन्च किया, तो लॉन्च करने के बाद एक के बाद एक ऐसी ऐसी चीजों के बारे में हमें पता चलता चला गया जिसको हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग अल्लाह ताला के कलाम कुरान मजीद को समझ के पढ़ते हैं, उसके अंदर बताया गया है, इरशाद किया गया है कि अल्लाह ताला ने अपने इस जहान को किस तरीके से बनाया और हमारे लिए किस तरीके से निशानियां रखी। तो जो कौमें इस चीज को और इस पैगाम को समझकर चलती हैं, अल्लाह ताला उनके कदमों के नीचे दुनिया को बिछा दे। जब तक हमारे मुसलमान इन तमाम चीजों पे बिलीव करते थे, अल्लाह ताला ने उनको बहुत आगे रखा। कुरून औला का दौर सबको याद होगा, और जब छोड़ दिया तो क्या हशर है देख लो। कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए भी अब उन तमाम ममालिक के मुंतजर हैं जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि ये तो यहूदी की साजिश है। तो आप अंदाजा लगाइए यह हाल, क्योंकि आपने इल्म को छोड़ दिया, जबकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली वही नाज़िल हुई थी वो किसको हुई थी, आपने पढ़ी थी, अबाउट इट इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब का नाम लेकर जिसने तुम्हें पैदा किया, और उसी पढ़ने को हमने छोड़ दिया सर। एनी हाउ, ये जो बिजली चमकती है, थंडर स्ट्रॉम आता है, अभी कुछ दिन पहले भी थंडर स्ट्रॉम आया था और फ्रीक्वेंट अब आने लगे हैं। इसी तरीके से सूरज ग्रहण इस महीने की यानी कि जून की 21st वो है, जो कि साल का सबसे बड़ा दिन होता है। चांद ग्रहण अभी पिछले दिनों गुजरा, पिछले लास्ट वीक में गुजरा। तो ये तमाम चीजें हमें पता तो थी, लेकिन आप ये तसव्वुर करेंगे सूरज ग्रहण होते हुए, अब ऐसे चैनल्स बने हुए हैं जो कि लाइव दिखा रहे होते हैं, इवन ये जो क्लिप है इस तरह की, तो तस्वीर लास्ट ईयर जो कराची में ही हमारे थंडर स्टॉर्म आया था, मैंने खुद अपने कैमरे से कैप्चर। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि सितारा टूटते हैं, नजर भी आते हैं समटाइम्स, और रमजानों के अंदर आपको शायद आप में से किसी ने नोट किया हो, वीनस प्लैनेट जो है सेकंड प्लैनेट, वो आपको यहां से चमकता हुआ नजर आता है जमीन से, मैंने खुद देखा पूरे रमजान तकरीबन को देखा। और बहुत सारी चीजें हैं, तो अब आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर हमारे पास फिजिकल नॉलेज ना होती तो हम इनके बारे में कैसे जानते। इसके ऊपर सिर्फ अभी के दौर में काम नहीं हुआ, काम तो बहुत पुराना हो रहा है, मतलब ग्रीक्स याद होगा ना, 9th क्लास में पढ़ा था, ग्रीक्स एरा होता था, उसके बाद फिर मुस्लिम एरा आया, फिर मॉडर्न एरा, हर एरा के जो बड़े नाम थे, जो बड़े साइंसदान थे, उन तमाम लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन अपने जमाने के हिसाब से आगे दिया है, और उसी चीज को आगे लेकर हम चलते चले जा रहे। और फिजिक्स की अगर मैं एक बाय वर्ड डेफिनेशन की बात करूं, जैसे भी मैंने बताया कि द वर्ड फिजिक्स कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, उसका मतलब क्या है, नेचुरल। और अगर हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। ऐसे
फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब होता है इनका मिलना। अब मैं अगर यहां पे थोड़ा मैटर को डिफाइन करूं तो मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड मैटर। नाइन क्लास पर डिटेल हमने बात की इसको, चैप्टर नंबर 6। तो मैटर आपके पास, या मैटर को जब हम डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इसके अलावा तीन मजीद है, कुल मिला के 7 स्टेट्स ऑफ मैटर है इसमें। आजकल तो तमाम लोग घर पे ही मौजूद हैं, तो थोड़ी सी कोशिश किया करो लेटेस्ट इनोवेशंस के बारे में जानने की। एज अ साइंस स्टूडेंट तुम्हें ये पता होना चाहिए, ये नॉलेज में इजाफा करे। और ये आज याद रखो मेरी बात कि जो शख्स अपनी नॉलेज को जितना ज्यादा एनहेंस करेगा वही कामयाब है। समझ आ रही है बात? तो मैटर की जो 7 स्टेट्स है उसमें से चौथी मैंने बताई प्लाज्मा, उससे पहले जो 3 थी सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो एडवांस स्टेट्स है उसमें आता है आपके पास बोज़ आइंस्टाइन कंडेंसेट, फर्म आयोनिक कंडेंसेट एंड द 7th वन डार्क मैटर। आप नेट पे लिखी गई तो आपको डिटेल आ जाएगी। बोज़ आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या, फर्म आयोनिक कंडेंसेट क्या, डार्क मैटर क्या। बहरहाल अब यहां पे जो इंट्रैक्शन है एनर्जी का, इसको ऐसे समझो आपने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, ठीक है, और पानी पी पी के गुजारा हो रहा है, रात के खाना भी आपने मिस कर दिया, अगले दिन सुबह नाश्ते ब्रेकफास्ट के टाइम पे भी आपको कुछ नहीं मिला, तो दोपहर तक पहुंचते पहुंचते क्या हालत होगी? इमेजिन कर सकते हो ना क्या हालत होगी। और दोपहर के खाने के अंदर आपको एक जगह ले जाया जाता है जहां पे अल्लाह की बहुत सारी नेमतें दस्तरखान पे सजी हुई, यानी कि आपकी दावत होगी। तो खाने पीने की जितनी चीजें मौजूद हैं आपके सामने, अब आप इमेजिन कर लें आपको क्या पसंद है, वही चीज आपके दस्तरखान पे मौजूद है। तो खाने पीने की जितनी चीजें वहां मौजूद है तो वो किसी 2 स्टेट्स के अंदर होगी, या तो सॉलिड होंगी या लिक्विड। बर्गर खाते हो सॉलिड है, पिज्जा खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, ठीक है, क्या है ये चीजें? सॉलिड है। इसी तरह जो शोरबे वाली चीज है जैसे कोरमा हो गया, उसमें शोरबा आ गया, लिक्विड आ गया। पानी पीने का इटसेल्फ लिक्विड है, जूस लिक्विड है, यानी कि हम जो चीज खाते और पीते हैं वो है क्या? मैटर की स्टेट्स में से किसी ना किसी एक स्टेट के अंदर। गैस नहीं होगी भाई, ये बात याद रखो, गैस सिर्फ जिंदा रहने के लिए सर्वाइवल की जरूरत है। ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल। अब आपने पेट भर के माशाल्लाह खाना खा लिया तो वो जो सॉलिड की फॉर्म में था, लिक्विड की फॉर्म में था, आपने वो खा लिया। खाने के बाद आप अपने अंदर क्या फील करेंगे? आपको लगेगा आपके अंदर एक नई जान आ गई, एक ऐसी फीलिंग आएगी, आपको लगेगा आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गए। तो ये एनर्जेटिक कैसे हो गए भाई? खाना खाने से पहले हालत क्या थी और खाना खाने के बाद हालत क्या है? तो दैट इज द वे कि मैटर के अंदर जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं,
वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने अंदर से दूसरी बॉडी के अंदर। एनर्जी के बारे में हम ये बात जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट मे ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जानते हो ना ये बात? तो एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म होती है, यानी कि जब एटम्स ब्रेक होते हैं, एटम्स ब्रेक होते हैं दूसरे एटम के साथ कंबाइन होते हैं, तो वो आपके पास एनर्जी को रिलीज करते हैं। और वो एनर्जी जब हमारे अंदर स्टोर होती है, फिर हम उससे अपने डिफरेंट किस्म के कामों को परफॉर्म करते हैं। नहीं आ रही बात? एक और एग्जांपल देखो, ये जो गाड़ी है या बाइक है, उसमें उसको चलाने के लिए क्या डालते हो? पेट्रोल। और जो पेट्रोल है वो क्या है, किस फॉर्म में मिलता है तुम्हें? लिक्विड की फॉर्म में मिलता है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे पेट्रोल नहीं, हम तो सीएनजी डलवाते हैं। सीएनजी क्या है? कंडेंस नेचुरल गैस। लेकिन जब गाड़ी को स्टार्ट होती है, उसके बाद चलना शुरू करती है, तो पेट्रोल उसको क्या प्रोवाइड करता है? केमिकल एनर्जी। तो दिस इज एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट ऑफ द फिजिक्स, कि हमारी जो पूरी दुनिया, बल्कि अगर और थोड़ा उसको ग्लोबल स्केल पे ले जाओ, हमारी पूरी कायनात किसके ऊपर बनी है? हमारी पूरी कायनात किसके ऊपर बनी है? दो चीजों पे बनी है, मैटर पे और एनर्जी पे। ये मैटर हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी वापस रीकन्वर्ट होती है किसके अंदर? मैटर। नाइन केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 में हमने एक रिलेशन पढ़ा था। अब वो रिलेशन क्या था? मास एनर्जी रिलेशन, जिसका फार्मूला था E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। चैप्टर नंबर 2 में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था ना, उसी के साथ नीचे आइंस्टाइन ने ये फार्मूला ड्राइव किया, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। और ये जो E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर का फार्मूला था, उसमें E क्या था? E फॉर एनर्जी, M फॉर मास और C स्टैंड फॉर स्पीड ऑफ द लाइट। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं डिटेल में फिर एक अलग से मैं बात करूंगा आने वाले लेक्चर से। बाहर फार्मूला उम्मीद है याद आ गया। तो फिजिक्स का जो बुनियादी तौर पे इंटरेक्शन है, वो हमारे पास मोस्टली इन्हीं चीजों को लेकर चल रहा है। और हम ये बात जानते हैं, हमारी रूटीन के अंदर ये चीज मौजूद है कि मैटर से हम एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। और अगर हम थोड़ा सा मजीद अपनी बात को, अपनी चीज को थोड़ा सा मजीद जरा डीपली रिसर्च करें, तो हमें एनर्जी टू मैटर कन्वर्जन भी मिलना शुरू हो। तो बहरहाल ये हमारे पास फिजिक्स। अब आप अपने इर्द गिर्द में जरा सोचें कि ये जो बातें मैंने इतनी देर से की, कहां कहां फिजिक्स इन्वॉल्व है आपकी रूटीन लाइफ में? आपके घर में जो गैजेट्स आप लोग यूज करते हो, जो अप्लायंसेस आप लोग यूज करते हो किचन में, अपने घर में, इवन ये जो लैपटॉप यूज कर रहे हो, इसके अंदर जो पीछे मकाने से चल रहा है, घर में जूसर ग्राइंडर होगा, फ्रिज होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पंखा गर्मी ये जो चला तू, तो कहीं ना कहीं फिजिक्स तो है। जरा अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक बात सिंपल सी कहूँ, मोबाइल फोन चार्ज करते हो या बहुत ज्यादा देर तक गेम खेलते रहते हो या कोई वीडियो देखते रहते हो, गर्म हो जाता है ना, होता है ना गर्म, उस क्यों होता है? रीजन सोचो, इसका जवाब सोचो, थिंक अबाउट। अब अगर मैं इतनी सारे बातों को एक एक करके समझाना शुरू करूं तो बात आसानी से समझ में आती है। इसीलिए हमने फिजिक्स को क्या कर दिया, ब्रांचेस में तोड़ दिया, ब्रांचेस में ब्रेक कर दिया,
ताकि हर चीज को हम इंडिविजुअली आसानी के साथ समझ सकें। तो हमारी किताब कुछ 9 ब्रांचेस का जिक्र है, ब्रांचेस तो बहुत सारी है लेकिन 9 बुनियादी या बेसिक ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में सबसे पहली ब्रांच हमारे पास मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर तो मैं काफी डिटेल में शुरू की वीडियो के अंदर भी मैंने काफी डिटेल में बात की एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड, ये चांद सितारे वगैरह। बायोफिजिक्स, मैं एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं, आज के जमाने में ये जो COVID-19 का जमाना चल रहा है इसमें ये बायोफिजिक्स का बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। जो वेंटिलेटर्स का नाम सुन रहे हो ना आजकल अस्पतालों में वेंटिलेटर, तो वेंटिलेटर क्या है? एक मशीन है, कैसे बनती है और कैसे आपकी लाइफ को यानी कि बायोलॉजिकल उसको कैसे यूज करते हैं, इंशाल्लाह बात होगी इसके ऊपर डिटेल। तो ये हम आप अपने ब्रांचेस, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं इन ब्रांचेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो और कहां कहां हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये जो ब्रांचेस आपको नजर आ रही हैं ये आपके जो बुक के जो चैप्टर्स हैं 19 चैप्टर्स जो हैं ये तमाम के तमाम 19 चैप्टर्स इन्हीं ब्रांचेस के हिसाब से इनको डिवाइड किया, ठीक है। अच्छा, और एक चीज जरा आप तमाम लोग याद रखिएगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स के बारे में जरा सोचिए, अपने इर्द गिर्द को देखिए कि आपको कहाँ लगता है कि कौन सी चीज के अंदर कहीं ये चीज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ट हो रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह कोशिश कीजिए। आखिरी बात ये है कि जो चीजें हमने डिस्कस की, ठीक है, वो तमाम की तमाम चीजें आप अच्छी तरह इसको समझें और इस वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 से 4 बार कम से कम देखें ताकि जो जो वर्ड मैं बोल रहा हूं वो आपके जहन में बैठ जाए इंशाल्लाह। तो आप लोगों से इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और तमाम वो सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना है जो कि COVID-19 से हमें महफूज रख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी हमारी।